संक्रमण के मामलों में उछाल नजर आ रहा है, यही वजह है कि पूरे प्रदेश में रविवार को टोटल लॉकडाउन किया जा रहा है। वहीं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने चेतावनी दी है कि इंदौर में अनलॉक के दौरान लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसका खामियाजा शहर में एक बार फिर लॉकडाउन के रूप में देखा जा सकता है। दरअसल सांसद शंकर लालवानी आज इंदौर में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में होने वाले उपचुनाव और प्रदेश के साथ केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कई मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान शंकर लालवानी ने साफ किया कि शहर में यदि लोग नहीं समझे और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो प्रशासन को एक बार फिर लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। वहीं उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाए जा रहे सांसद राखी केंद्र के बारे में भी मीडिया से चर्चा की और कहा कि महिलाओं द्वारा भावनात्मक रूप से बनाई गई इन राखियों के विक्रय के जरिए जहां उन्हें सक्षम बनाया जाएगा, वहीं इन राखियों को देश की सुरक्षा के लिए चीन की सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों को भी भेजा जाएगा। वहीं राखी बनाने के प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिट्टी के गणेश बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि चीन की आर्थिक कमर तोड़ी जा सके, भारतीय बाजारों से चीन के सामान को दूर रखा जा सके। ये जो टर्मिनल बनने के बाद छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, मुझे लगता है बहुत सारे आर्थिक पैकेजेस केंद्र सरकार ने दिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली भारत, एक मजबूत भारत बनने के लिए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है माननीय मोदी जी ने एक बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, एक कोरोना से लड़ रहे हैं, आर्थिक तीनों पक्ष में एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और तीनों पक्षों में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर हमारे पेशेंट बढ़े, अगर पॉजिटिव की संख्या बढ़ी, अगर हम आगे बढ़े तो हम लॉकडाउन छोड़ जाएंगे।